Dear students, I am Dr. Manisha Sharma, Associate Professor, Department of Zoology, JDB Government Girls College, Kota. Today we will be studying the second part of phylum Platyhelminthes. In this, we will study the classification from class Trematoda onwards. In the last lecture, we had seen the general characters of phylum Platyhelminthes, यानी हमने पिछला जो लेक्चर था उसके अंदर जो सामान्य लक्षण थे फाइलम Platyhelminthes के उसके बारे में पढ़ा था, Platyhelminthes का आउटलाइन क्लासिफिकेशन पढ़ा था, और हमने जो पहली क्लास इसकी Platyhelminthes की थी दैट इज़ क्लास Turbellaria उसके बारे में पढ़ा था, जिनके अंदर ज़्यादातर प्लेनेरियंस आते हैं। आज हम क्लास जो दूसरी क्लास है फाइलम Platyhelminthes की, क्लास Trematoda के बारे में पढ़ेंगे। तो Trematoda जो है वो एक ग्रीक शब्द से बना है जिसमें कि ट्रिमटा का मतलब होता है होल यानी छिद्र, और ईडोस का मतलब होता है फॉर्म यानी कि रूप। तो Trematoda में पाए जाने वाले जीव एक्टो या एंडो पैरासाइटिक होते हैं और इन्हें फ्लूक्स कहा जाता है। ये बाह्य या अंतः परजीवी चपटे कृमि होते हैं जिन्हें फ्लूक भी कहते हैं। इनकी जो बॉडी है वो अनसेगमेंटेड होती है, डॉर्सल वेंट्रली फ्लैटेंड होती है, लीफ लाइक होती है, यानी कि शरीर अखंड और पृष्ठधारी होता है, चपटा होता है और पत्ती के समान दिखता है। इसके अंदर जो पक्षमाप हैं और रेप्टाइड्स हैं वो अनुपस्थित होते हैं। सकर्स एंड समटाइम्स हुक्स आर प्रेजेंट, जो चूषक हैं और कभी कभी हुक भी उपस्थित हो सकते हैं इनके अंदर। एलिमेंट्री कैनाल विद एंटीरियर माउथ, सिंपल फैरिंग्स एंड टू मेन ब्रांचेस। आहार नाल में बहुधा दो मुख्य शाखाएं होती हैं, अग्रमुख और ग्रसनी होती है, परंतु गुदा अनुपस्थित होती है। थ्री पेयर्स ऑफ लॉन्जिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स आर प्रेजेंट, तीन जोड़ी अनुदैर्ध्य तंत्रिका रज्जु उपस्थित होता है। Mostly monoecious, development is direct in ectoparasites and indirect in endoparasites with alternation of host. यानी कि ये monoecious होते हैं और इनके अंदर जो बाह्य परजीवी हैं उनमें परिवर्धन प्रत्यक्ष रूप का होता है, और अंतः परजीवी में जो परपेशितों में एकांतरण के साथ प्राय अप्रत्यक्ष परिवर्धन पाया जाता है। अब इसके जो ऑर्डर हैं वो है, फर्स्ट इज मोनोजीनिया, इनके अंतर्गत जो जीव हैं वो मोस्टली एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, इन कोल्ड ब्लडेड एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स। तो जो जलीय कशेरुकी हैं उनके अंदर ये अधिकतर बाह्य परजीवी के रूप में उपस्थित होते हैं। पोस्टीरियर एडेसिव ऑर्गन विथ सकर्स आर्म्ड विथ हुक्स और स्पाइंस, जो एडेसिव ऑर्गन है वो पोस्टीरियर होता है और इसके अंदर सकर्स होते हैं अलोंग विथ हुक्स एंड स्पाइंस। जो एक्सक्रीटरी पोर्स हैं वो दो होते हैं एंड दे आर सिचुएटेड एंटीरियरली ऑन डॉर्सल साइड। डॉर्सल साइड में आगे की तरफ दो एक्सक्रीटरी पोर्स होते हैं। ओनली अ सिंगल होस्ट इन लाइफ साइकिल, केवल एक ही परपोषी होता है लाइफ साइकिल के अंदर। फ्री स्विमिंग सीलिएटेड लार्वा कॉल्ड ऑनको मिरासिटियम इज प्रेजेंट। मुक्त जीवी पक्ष में भित लार्वा जिसको कि ऑनकोमिरासीडियम कहते हैं
वो उपस्थित होता है इनके लाइफ साइकिल में। इसका जो एग्जाम्पल है वो है गायरोडेक्टाइलस, डेक्टाइलोगायरस, पॉलीस्टोमा जिसका कि आप चित्र देख सकते हैं, और डिप्लोजूम। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट ऑर्डर है ऑर्डर डाइजीनिया। इनके अंदर अधिकतर जो पैरासाइट्स हैं वो कशेरुकियों में यानी वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं और अकशेरुकियों में भी पाए जाते हैं, और अधिकतर ये अंतःपरजीवी होते हैं, एंडोपैरासाइट्स होते हैं। टू सकर्स ओरल एंड एसेटैबुलम बोथ डिवाइड ऑफ हुक्स, यानी इनके अंदर मुख चूषक और एसेटैबुलम दोनों चूषक ही हुक विहीन होते हैं। सिंगल पोस्टीरियर एक्सक्रेटरी पोर इज प्रेजेंट। लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स विथ न्यूमरस लार्वल स्टेजेस इन 2 to 3 इंटरमीडिएट होस्ट्स, यानी असंख्य लार्वा अवस्थाओं सहित जीवन व्रत जटिल होता है। 2 से 3 मध्यस्थ परपोषी पाए जाते हैं इनमें। जो कायांतरण है दैट इज मेटामॉर्फोसिस, लार्वल फॉर्म्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बिफोर मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण से पूर्व लार्वा अवस्था में अलैंगिक जनन होता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं ब्यूसीफेलस, फैसियोला जिसका कि आप चित्र देख सकते हैं, इसके अंदर ओरल सकर सबसे ऊपर मौजूद होता है और उसके नीचे वेंट्रल सकर मौजूद होता है। देन पैरागोनिमस, शाइसिस्टोमा आदि। नेक्स्ट ऑर्डर है एस्पिडोकोटिलिया। इसके अंदर ओरल सकर एब्सेंट होता है। लार्ज वेंट्रल सकर इज डिवाइडेड इनटू सेवरल सकर्स विदाउट हुक्स। ओनली 1 टेस्टिस इन मेल सिस्टम, एंडोपैरासाइट्स इन गट ऑफ फिशेस एंड रेप्टाइल्स, यानी ये जो है अंतःपरजीवी के रूप में जो ये हैं अपने फिशेस हैं और जो रेप्टाइल्स हैं सरीसृप हैं या फिर मछलियों के अंदर उनकी जो आहार नाल होती है उसके अंदर ये अंतःपरजीवी के रूप में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल इज एस्पिडोगैस्टर जिसका कि आप चित्र देख सकते हैं, लेबल डायग्राम है, ऊपर की तरफ माउथ फनल है, उसके नीचे फेरिक्स, फिर सकर है, एंड देन फाइनली एल्वियोलाई। इसके अलावा एस्पिडोगैस्टर के अलावा कॉटिलेप्सिस एंड स्टिचोकॉटल इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर एस्पिडोकॉटिलिया। नेक्स्ट जो क्लास है वो है क्लास सेस्टोडा, द थर्ड क्लास ऑफ फाइलम प्लैटीहेलमिंथस इज क्लास सेस्टोडा। ये जो है एक ग्रीक शब्द से बनाया हुआ है। इसके अंदर केस्टोस का मतलब होता है गर्डल और ईडोस का मतलब होता है फॉर्म। तो ये जो है एंडोपैरासिटिक फ्लैटफॉर्म्स होते हैं जिन्हें कि टेपवर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। ये अंतःपरजीवी चपटे कृमी होते हैं जिन्हें कि फीता कृमी भी कहते हैं। बॉडी सेगमेंटेड होती है, इलोंगेटेड होती है, फ्लैट रिबन लाइक टेग्यूमेंट विथ माइक्रोविलाई, शरीर लंबा होता है, सखंड होता है, चपटा और रिबन के समान होता है। स्कॉलेक्स या हेड विथ सकर्स और हुक्स और बोथ। जो स्कॉलेक्स है या सिर है इस पर चूषक या हुक या फिर दोनों उपस्थित होते हैं। ईच मेच्योर सेगमेंट और प्रोक्रोटेड मोनेशियस विथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स। प्रत्येक परिपक्व जो देह खंड है वो द्विलिंग श्रेयी अर्थात नर तथा मादा दोनों जनन अंग सहित होता है। लाइफ साइकिल कॉम्प्लिकेटेड इन्वॉल्विंग 1 or more इंटरमीडिएट होस्ट्स। जो एम्ब्रियोज होते हैं उनके अंदर हुक्स पाए जाते हैं। एक या अधिक मध्यस्थ परपोषी के साथ जटिल जीवन व्रत उपस्थित होता है और भ्रूणों में हुक पाए जाते हैं। इसकी जो सब क्लास है वो प्रथम सब क्लास है
सेस्टोडेरिया, इसके अंदर जो बॉडी है वो अनसेगमेंटेड होती है, खंडविहीन होती है, विदाउट स्कॉलेक्स एंड स्ट्रोबिला. ओनली वन सेट ऑफ मोनेशियस रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट, यानी कि जो जनन तंत्र है उसमें केवल एक सेट ही पाया जाता है, अमोनेशियस होता है. लार्वा लाइकोफोर विथ 10 हुक्स, 10 हुकों वाला लाइकोफोर लार्वा इसके अंदर मिलता है. इसके अंतर्गत जो है जो ऑर्डर आता है वो है एम्फिलिनेटिया. इसके अंदर सकर्स अनुपस्थित होते हैं, फेरिंग्स जो है वो प्रोट्रूसिबल होती है, मेल जेनाइटल पोर एंड वेजाइना सिचुएटेड पोस्टीरियरली, यूट्रस जो है कॉइल्ड होता है, और एंडोपैरासिटिक इन सीलम ऑफ प्रिमिटिव फिशेस, यानी आदि मछलियों की देह गुहिका में ये अंतः परजीवी के रूप में पाए जाते हैं. इसका एग्जाम्पल है एम्फिलिना, जिसका कि आप ऊपर चित्र देख सकते हैं, सफ़ेद जो है जो चित्र है वो एम्फिलिना का है. इसके बाद जो ऑर्डर है सब क्लास सेस्टोडेरिया का वो है गायरोकोटिलिडिया. तो इसके अंदर एंटीरियर सकर और पोस्टीरियर रोजेट शेप्ड एडेसिव ऑर्गन उपस्थित होता है, इवर्सिबल प्रोबोसिस एट एंटीरियर एंड, यानी कि अगले सिरे पर एक इवर्सिबल प्रोबोसिस पाया जाता है, और एंडोपैरासाइट्स इन काइमेरॉइड फिशेस, काइमेरॉइड मछलियों के अंदर ये अंतः परजीवी के रूप में पाए जाते हैं. इसके एग्जांपल है गायरोकोटिल, जिसका कि आप चित्र भी देख सकते हैं. नेक्स्ट जो है सब क्लास है यूसेस्टोडा. इसके अंदर जो बॉडी है वो लॉन्ग होती है, रिबन लाइक होती है, और ये विभाजित होती है स्कॉलेक्स, नेक और स्ट्रोबिलिया के अंदर, और स्ट्रोबिलिया में कई प्रोग्लॉटिड्स उपस्थित होते हैं, मोस्टली विथ सेवरल सेट्स ऑफ मोनेशियस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ये अधिकांश द्विलिंगाश्री जननांगों के कई समुच्चय सेट्स विद्यमान होते हैं इसके अंदर, और लार्वे विथ 6 हुक्स, जो लार्वे है उसके अंदर 6 हुक उपस्थित होते हैं. इसके अंतर्गत सबसे पहला जो ऑर्डर है वो है ऑर्डर प्रोटियोसिफेलिटा. इसके अंतर्गत जो स्कॉलेक्स है उसके अंदर 4 कप शेप्ड सकर्स उपस्थित होते हैं, ओवरी जो है बाइलोब्ड होती है, यूट्रस ब्रांच होता है, और वाइटल एरिया जो है वो स्कैटर्ड होता है, यानी कि जो अंडाशय है वो द्विपालित होता है, गर्भाशय शाखित होता है, और पीत ग्रंथियां बिखरी हुई पाई जाती हैं. पैरासिटिक इन फ्रेश वाटर फिशेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स. तो ये रेप्टाइल्स, फ्रेश वाटर जो मछलियां हैं उनके अंदर और एम्फीबियंस के अंदर ये परजीवी के रूप में पाए जाते हैं. प्रोटोसिफिलस, जिसका कि आप चित्र देख सकते हैं, ये उसका उदाहरण है, और ओफियोटीना टीनिया भी इसका एक उदाहरण है. नेक्स्ट ऑर्डर जो है वो आता है टेट्राफाइलिडिया. टेट्राफाइलिडिया के अंदर स्कॉलेक्स विथ 4 लीफ लाइक बोथ्रिया. तो स्कॉलेक्स के अंदर 4 पत्ती के समान बोथ्रिया उपस्थित होते हैं, टेस्टिस एंटीरियर टू ओवरीज, और वाइटलिन ग्लैंड्स आर स्कैटर्ड. इसी प्रकार से पैरासिटिक इन इंटेस्टाइन ऑफ इलास्मोप्रैंक फिशेस. ये जो ऑर्डर के जो जीव हैं वो इलास्मोप्रैंक फिशेस के इंटेस्टाइन के अंदर अंतः परजीवी के रूप में पाए जाते हैं. इसके एग्जांपल है फाइलोबोथ्रियम. थर्ड ऑर्डर है डिस्क्यूलिसिपिटिडिया. इसके अंतर्गत स्कॉलेक्स विथ लार्ज कुशन लाइक पैड और एट एंटीरियर एंड, यानी एंटीरियर एंड पे जो स्कॉलेक्स है उसके अंदर देर इज़ अ लार्ज कुशन पैड.
कुशन लाइक पैड उपस्थित होता है एंटीरियर एंटो स्कॉलेक्स पे. देन फीमेल गोनोपोर एंटीरियर टू मेल गोनोपोर. टेस्टिस जो है न्यूमरस होती हैं. यूट्रस जो है लोब्ड होता है. एंडोपैरासाइट्स विथ सिलैची ऑफ सिलैची सॉरी. तो इसके अंदर जो है जो सिलैचिन फिशेस हैं वो जो है उसके अंदर ये अंतः परजीवी के रूप में पाया जाता है. और इसका एग्जांपल है डिस्क्यूली सेप्स. देन नेक्स्ट ऑर्डर इज लिकैनी सिफेलोलॉइडिया. इसके अंदर जो स्कॉलेक्स होता है वो डिवाइडेड होता है एक ट्रांसवर्स ग्रूव द्वारा. और अपर जो है स्कॉलेक्स है अपर पार्ट ऑफ स्कॉलेक्स इज डिस्क लाइक एंड लोअर विथ फोर सकर्स. तो ऊपर की तरफ से स्कॉलेक्स जो है डिस्क लाइक नज़र आता है और नीचे की तरफ इसमें चार चूषक उपस्थित होते हैं. वाइटिलेरिया एज टू लेटरल बैंड्स. इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स इन इलास्मोब्रैंक फिशेस. तो ये जो है इस ऑर्डर के जो जंतु हैं वो इलास्मोब्रैंक फिशेस के अंदर इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स के रूप में पाए जाते हैं. देन द नेक्स्ट ऑर्डर इज ऑर्डर स्यूडोफाइलिडिया. इसके अंदर भी जो स्कॉलेक्स है उसमें दो से छः बोथ्रिया देखने को मिलते हैं. टेस्टिस न्यूमरस ओवरी बाइलोब्ड वाइटल एरिया फॉलिकुलर. जो वृषण हैं वो काफ़ी होते हैं काफ़ी सारे. जो ओवरी है वो जो है बाइलोब्ड होती है. और जो वाइटल एरिया है दैट इज़ फॉलिकुलर. पैरासिटिक इन फ्रेश वाटर फिशेस दैट इज़ टीलियोस. यानी ये अस्थिल मछलियों के अंदर अंतः परजीवी के रूप में उपस्थित होते हैं. और डाइपोदो सिफेलस और हैप्लोबोथ्रियम इसके एग्जांपल्स हैं. नेक्स्ट ऑर्डर है ट्रिपैनोरिंका. तो इसके अंदर जो स्कॉलेक्स है पाया जाता है उसमें दो से चार बोथ्रिया होते हैं और चार स्पाइनी टेंटिकल्स पाए जाते हैं. और वाइटिलेरिया इज़ अ कंटिन्यूस लेयर इन कॉर्टिकल पैरेन्काइमा. पैरासिटिक इन इलास्मोब्रैंक फिशेस. ये फिर से इलास्मोब्रैंक फिशेस में परजीवी अंतः परजीवी के रूप में पाए जाते हैं. और इसका एग्जांपल है टेट्रा रिंकस जिसका कि आप यहाँ पर चित्र भी देख सकते हैं. नेक्स्ट ऑर्डर है साइक्लोफिलिडिया या टिनोइडिया भी कहते हैं इसे. इसमें भी जो स्कॉलेक्स है इसमें फोर डीप सकर्स होते हैं और हुक्स पाए जाते हैं. ओवरी लोब्ड होती है. यूट्रस इज ब्लाइंड. वाइटल एरिया इज फॉलिकुलर. पैरासिटिक इन एम्फीबियंस रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स. यानी इसके अंदर जो पाई जाती है ये जो है अंतः परजीवी के रूप में पाए जाते हैं एम्फीबियंस के अंदर रेप्टाइल्स के अंदर बर्ड्स के अंदर और मैमल्स में भी. इसके एग्जांपल हैं टीनिया. टीनिया सोलियम आप जो है भली भांति इससे परिचित हैं. फीताक्रमी जैसे कि हम कहते हैं. इसके अलावा एकाइनोकोकस डाइफाइलिडियम एंड हाइमेनोलेप्सिस. तो बिल्कुल बगल में जो चित्र है वो जो है आपको एकाइनोकोकस का है. एडल्ट ऑफ एकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसस. और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसके अंदर स्कॉलेक्स जो है उसमें चूषक उपस्थित हैं. और जो मैच्योर ग्रेविस है तो मैच्योर प्रोग्लॉटिड है और ग्रेविट प्रोग्लॉटिड भी देखने को मिलता है ये एकाइनोकोकस में. नेक्स्ट जो ऑर्डर है वो है एपोरिडिया. एपोरिडिया के अंदर भी जो स्कॉलेक्स है वो चार चूषक उपस्थित होते हैं उस पर और रोस्टेलम भी उपस्थित होता है. एक्सटर्नल सेगमेंटेशन नहीं देखने को मिलता. ऊ टाइप एब्सेंट होती है. और ये जो है ज़्यादातर पैरासाइट्स होते हैं बर्ड्स के अंदर. जो पक्षी हैं उनके अंदर ये अंतः परजीवी के रूप में पाए जाते हैं. इसके एग्जाम्पल है निमेटो
पेराटीनिया एंड गैस्ट्रोटीनिया। फिर है ऑर्डर टैनिडिया। इसके अंदर कोई स्कॉलेक्स नहीं होता है, परंतु वेल डेवलप्ड टर्मिनल सकर उपस्थित होता है। प्रोग्लॉटिड बहुत कम होते हैं और वाइटिलेरिया भी कम होते हैं। पैरासाइट्स इन फ्रेश वाटर फिशेस ऑफ जापान। जापान में पाई जाने वाली जो फ्रेश वाटर फिशेस हैं उसके अंदर जो है ये निपोटिनीडिया जो है पाया जाता है। और एक और एग्जांपल है इसका एमिरोटीनिया। इसके बाद आता है ऑर्डर कैरियोफाइलीटा। इसमें जो है स्कॉलेक्स विदाउट ट्रू सकर्स एंड और बॉथ्रिया। एग्स जो है नॉन एम्ब्रियोनेटेड होते हैं व्हेन दे आर लेड। पैरासाइट्स इन फिशेस, ये भी जो है मछलियों के अंदर अंतः परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। फाइनली द लास्ट ऑर्डर इज ऑर्डर स्फीतो बॉथ्रिडिया। इसके अंदर जो स्कॉलेक्स है वो भी बिना सकर्स और पॉथ्रिया के होता है। टेस्टिस आर मेड्यूलरी और ओवरी जो है मीडियन होते हैं। और ये भी जो है प्रिमिटिव फिशेस के अंदर अंतः परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। स्फीतोबोथ्रियम इसका एग्जाम्पल है। बीच में ये जो एक स्ट्रक्चर एकाइनोकोकस के नीचे जो देखने को मिल रहा है वो है आपका एग्जाम्पल है ये इट इज़ जीआरडी क्रेसिस एडल्ट। तो ये जो है एग्जाम्पल है आपका 10th ऑर्डर जो कैरियोफिलिडी है उसका जो है एग्जाम्पल इज ग्लैरी डेक्रेस। सो दिस इज द फिगर फॉर ग्लैरी डेक्रेस विच इज़ इंक्लूडेड इन ऑर्डर कैरियोफिलिडी। ऊपर एकाइनोकोकस है और नीचे ग्लैरी डेक्रेस का है डायग्राम। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस। थैंक यू वेरी मच।